गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अब फिलहाल देखो, आज मम्मी और हम दोनों घर पे हैं। पूनम तो गई अपने स्कूल और पापा गए हैं अपना भोपा जी के यहाँ पर झाड़ा फूका कराने। तो वो कार में गए हैं, वहाँ से कार बुक की है तो कार में गए। तो फिलहाल मम्मी और हम दोनों घर पे हैं, तो आज सफाई काफी करनी है। तो देखो, चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए हैं, तो आज पूरी सफाई करते हैं एक बार। अभी तक पूरे 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे में इस तरफ की पूरी सफाई हो चुकी है। कपड़े ऐसे एक बार रख दिया, इसको भी सफाई कर दिया, और कूलर नीचे था जो कि ऊपर मेल दिया। तो आधी सफाई हो चुकी है और आधे में अभी मम्मी पोछा लगा रही है, झाड़ू पोछा करना बाकी है अभी सभी। तो अभी बाहर काफी सारा सामान है जो कि अंदर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। अच्छा, तो भाई अभी सफाई कम्प्लीट हो चुकी है। तो देखो, और फिलहाल पूरा एकदम पूरी सफाई हो चुकी है। तो अच्छा, तो अब काफी अच्छा लग रहा है एकदम, पर अभी लाइट चली गई है जो कि बहुत पूरा हुआ। तो भाई अभी घड़ी दोपहर की 2 बजी है और अभी पूनम भी आ चुकी है और आते लड़ाई कर रही है बस खाने के लिए। मम्मी ने रोटी नहीं बनाई इसके लिए तो भी लड़ाई कर रही है। हाँ, तो मारे मने दी एक रोटी मारी, ठीक है। तो आज दीपक जी आए हमारे बहुत दिनों बाद व्लॉग में। तो दीपक जी, आपको सूरज सिंह कमेंट किया, आपको कैसा फील लग रहा? खुद खुशी, गजब बेइज्जती है। खुदकुशी, खुदकुशी। तो गाइस, मैंने कल बोला था कि जहाँ को मैं शाम को छोड़ने के लिए गया था कल, तो आज एक रात रुक गए तो फिलहाल वापिस आ रहे। अच्छा, तो अभी हमारे गाय तो यहीं पर है, बाल्टी ले ली है, तो एक बार पानी पिलाता हूँ फिर चलता हूँ जहाँ को लेने के लिए। तो भाई अभी बाइक निकाल दिए तो अभी चलते हैं। तो गाइस, और फिलहाल दादी को ले आया हूँ, तो अभी मैं चलता हूँ खेत में। तो गाइस, अभी पास रह के 2 पुले काट दे, एक तो ये वाला और एक मम्मी का। तो एक मत लूंगा, एक मम्मी लेगी, तो फिर चलते हैं घर पे। बनता है, मीना करे मस्त करो दीपक। तू यार बंद नहीं कर सके, 2 मिनट ही गई ए करो खाली ना कांगा कल। तो गाइस, अभी तक दीपक ने इतनी कुछ मैं आज मजूरी की है, तो इसके तुमको दीपक पूरे 2 रुपये मिलेंगे, पूरे 2 रुपये। कल साला भावे, कल भावे साला नहीं नहीं मोटरसाइकिल पे तो मुँह आऊ कल, परीक्षा है ही कोई बार कैंसिल होगी। तो फिलहाल एक बेस्ट चीज दिखाता हूँ, देखिए ये देखो सनसेट हो रहा है जो भाई काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी देखो बादलों के पीछे सूर्य। तो फिलहाल यहाँ पर तो मम्मी दूध गर्म कर रही है। आज कितने दिनों बाद मैंने अपने दोस्त नरेंद्र सिंह से बात की, क्योंकि उसने मुझे काफी कुछ बताया कि बाहर वीडियो बना, अंदर घर के अंदर ही मत बना, लोग देख के बोर हो जाते हैं। वैसे मैं जानता हूँ बोर होते हैं, पर देख एक मैं कहना चाहता हूँ, देख डेली व्लॉग में ऐसा ही होता है। मेन बात ये, एक बाहर भी जाना जरूरी है, पर बाहर अभी क्या है, मैं फिलहाल अभी नहीं जा रहा हूँ बाहर। अभी पढ़ाई भी चल रही है, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ और ये व्लॉग भी बना रहा हूँ, जो कि डेली बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा, फिर भी मैं शॉर्ट में भी करके डाल रहा हूँ। तो देखते हैं, एक बार परीक्षा हो जाए उसके बाद कहीं पर क्या प्लान बनता है, तो अच्छी अच्छी जगह पर लेके जाऊंगा। तो फिलहाल मम्मी यहाँ पर दूध गर्म कर रही है, नीचे
तो गाइस कल फाइनल हो चुके हैं, तो कल है एग्जाम, तो कल मेरा है ज्योग्राफी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ज्योग्राफी का एग्जाम। हाँ, ज्योग्राफी का एग्जाम। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जो कि कल मैं देने जाऊंगा और वैसे कॉलेज में, तो कल चलेंगे, सुबह जल्दी निकलना है, तो कल के वीडियो में बने रहना। और कल का एग्जाम में तो अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है, अभी पढ़ना भी बाकी है। वैसे मैं तो BSTC की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ी बहुत कम पढ़ाई होगी तो भी चलेगा। तो अब फिलहाल दूध अलग निकाल दिया, जो कि हम अभी हमारे पीने के लिए, और अब फिलहाल पापा के लिए जो कि अलग से खाना बन रहा है, जो कि एकदम हेल्दी खाना है, जिससे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। पूरी हेरी